है। है। वो लड़की मुझे चाहिए। पॉइंट ये है कि मैं ही हूँ जो उसे ला सकता हूँ। इतना श्योर है? रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। तुम्हारी जंग फिर से शुरू हो गई है। ये भी नहीं हारूंगा। तो गाइस, प्रभास ने फिर से एक बार प्रूव कर दिया है कि पूरी दुनिया में उनसे बड़ा सुपरस्टार कोई नहीं है। तो आज कल की 2098 AD मूवी रिलीज हो चुका है और इस मूवी ने पहले ही दिन जबरदस्त कलेक्शन करके इंडियन सिनेमा के सारे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर दिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कल की 2098 AD मूवी का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट रिकवरी और स्क्रीन काउंट्स के बारे में, और साथ ही ये भी देखेंगे आखिर इस मूवी ने अपने पहले दिन पर कितना कलेक्शन किया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट्स आपको मिलती रहे। तो नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी ये बिग बजट फिल्म कल्कि 2098 AD में पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के साथ अमिताभ बच्चन, कमल हासन, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी और कई सारे बेहतरीन स्टार्स नजर आएंगे। तो एक्चुअल में कल्कि एक ट्रू पैन इंडिया फिल्म है जिसमें डिफरेंट फिल्म इंडस्ट्री से बड़े बड़े सुपरस्टार्स शामिल है। जैसे प्रभास तेलुगु इंडस्ट्री से थे लेकिन अब वो पैन इंडिया सुपरस्टार है। बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन है और तमिल इंडस्ट्री से कमल हसन है। और एक और बात बता दूं कि इस मूवी में आपको अलग अलग इंडस्ट्री से कई सारे कैमियोज भी देखने मिलेंगे। एनीवेज, जब कल्कि का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो काफी लोगों को लग रहा था कि प्रभास की ये फिल्म इतना कलेक्शन नहीं करेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रभास की हर एक फिल्म का फर्स्ट डे ओपनिंग हमेशा से ही अच्छा रहा है, चाहे उनकी फिल्म फ्लॉप हो, हिट हो या फिर ब्लॉकबस्टर हो। तो कहीं ना कहीं प्रभास की ये फिल्म ने बाहुबली 2 और सलार को पीछे छोड़कर ये प्रूव कर दिया है कि अब चाहे साउथ का कोई हीरो हो या फिर बॉलीवुड का, कोई उनके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभास के स्टारडम को कोई टक्कर नहीं दे सकता और उसी की वजह से प्रभास की फिल्म का ओपनिंग ही हिस्ट्री क्रिएट कर देता है। तो जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि कल्कि 2098 AD मूवी का बजट है 650 crores, क्योंकि ये फिल्म लगभग 4 साल से बन रहा था जिसमें कई सारे बड़े बड़े एक्टर्स को लिया गया है, जिसकी वजह से ये फिल्म का बजट इतना ज्यादा है। लेकिन इस फिल्म ने ऑलरेडी अपना बजट रिकवर कर लिया है। कैसे, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो सबसे पहले कल्कि का डिजिटल राइट्स यानी कि OTT राइट्स सोल्ड आउट हुआ है 375 crores में फॉर ऑल 5 languages, और सैटेलाइट राइट्स सोल्ड आउट हुआ है 95 crores में, वो भी ऑल 5 languages का, और साथ ही जो इसका म्यूजिकल राइट्स है वो सोल्ड आउट हुआ है 25 crores में। तो ऑलमोस्ट सब मिलाकर ये मूवी ने 495 crores के राइट सोल्ड आउट करके ऑलमोस्ट अपना बजट रिकवर कर लिया था। ये तो बस डिजिटल राइट्स है, जब आप इसके थिएट्रिकल राइट्स सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो इस फिल्म का एक्चुअल स्टेट यानी कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में 180 करोड़ का थिएट्रिकल राइट सोल्ड आउट हुआ है, कर्नाटका में 28 करोड़ का थिएट्रिकल राइट सोल्ड आउट हुआ है, तमिलनाडु में 16 करोड़ का और केरला में 6 करोड़ का थिएट्रिकल राइट सोल्ड आउट हुआ है। अब बात करें हिंदी बेल्ट का, तो नॉर्थ इंडिया में 85 करोड़ का थिएट्रिकल राइट सोल्ड आउट हुआ है और ओवरसीज में 70 करोड़ का थिएट्रिकल राइट सोल्ड आउट हुआ है। तो सब मिलाकर वर्ल्ड वाइड टोटल थिएट्रिकल राइट्स कल्कि का सोल्ड आउट हुआ है 385 crores। तो जहां डिजिटल राइट से ये फिल्म ने 495 crores का कलेक्शन कर लिया था, तो वही थिएट्रिकल राइट से 385 crores का कर लिया। ये सारे राइट्स मिलाकर टोटल हो चुका है 880 crores। तो कल्कि 2098 AD फिल्म का बजट है 650 crores, तो वही इस फिल्म ने सारे राइट सोल्ड आउट करके ऑलमोस्ट 880 crores का कलेक्शन करके अपना बजट रिकवर कर लिया है, वो भी मूवी रिलीज से पहले। खैर, अब अगर बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो ये फिल्म 5 different languages में रिलीज किया गया है, वो भी 10,000 स्क्रीन्स में। तो इस फिल्म को आज काफी अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, स्पेशली फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और रही बात इसके ऑक्यूपेंसी की, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड से ऑलमोस्ट 90% का ऑक्यूपेंसी रहा है इस फिल्म का। तो सारे साउथ स्टेट्स की अगर बात करें तो सिर्फ केरला को छोड़कर बाकी सारे जगह पर इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और जैसे कि आप सब जानते होंगे कि कोई भी मूवी को अच्छा बिजनेस करना है तो हिंदी मार्केट में मूवी का चलना बहुत जरूरी होता है, और कल की फिल्म हिंदी मार्केट में भी धमाका कर रही है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 90 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, कर्नाटका से 17 करोड़ का कलेक्शन हुआ है और तमिलनाडु से 8 करोड़ का, केरला से काफी कम है, सिर्फ 4 करोड़। तो सिर्फ साउथ इंडिया से फर्स्ट डे कलेक्शन इस मूवी का हुआ है 119 करोड़, और हिंदी बेल्ट यानी कि नॉर्थ इंडिया से ये फिल्म ने 30 करोड़ का बिजनेस कर रही है। फर्स्ट डे 30 करोड़ का कलेक्शन करके ये फिल्म ने ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर का फर्स्ट डे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो इसी के साथ कल्कि का ऑल इंडिया ग्रॉस हुआ है 149 करोड़। और रही बात ओवरसीज का, तो ये फिल्म का एक दिन पहले ही प्रीमियर हुआ था जहां ये फिल्म ने $4 million से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था। तो प्रीमियर और फर्स्ट डे मिलाकर ओवरसीज से 65 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। तो ओवरऑल कल्कि 2098 AD मूवी का फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 214 करोड़। ये फिल्म पहले ही दिन जबरदस्त ओपनिंग ले ली है और ये फिल्म प्रभास की करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती है। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करो,
और क्या आपने कल की मूवी देख ली है? अगर हाँ तो कैसा लगा ये भी बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।